देखो मान लो आपके स्कोर आ रहे हैं 71.50, ठीक है। अभी मैंने बताया जो आपके जो आपके 2018-19 में कट ऑफ थे 74.50 था, और उनको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने पे थे आपके 87 मार्क्स। अगर 87 मार्क्स थे तो वो फाइनली पीओ बन चुके थे, जनरल कैंडिडेट के थे। इस बार आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना इनटू 80/225, आप सॉल्व कर लेना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लो 5 1 हो गया 5 4 एंड 5 3 0 5 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 16 3 48, 16 4 64 1 4 68, ठीक है 16 22 9 9 से डिवाइड कर लो 9 2 18, 4 48, 9 5 45, 3 39 4 अप्रॉक्सिमेट इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कट ऑफ जो जाती है 43 point something जाती है, 43.4 मान लो जाती है कट ऑफ, तो आप यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करोगे व्हाट वी गेट 0, यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, तो 18 आ गया। अभी मैंने बताया 1/5 होता है 20% का खाली कन्वर्ट होता है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, तो ये जो 5 मिल रहा है इसी को मल्टीप्लाई कर लो, आपको इंटरव्यू के मार्क्स मिल जाएंगे 18 5 अप्रॉक्सिमेट। अप्रॉक्सिमेट कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आपके कट ऑफ के जितने मार्क्स हैं, मतलब आपके मार्क्स खाली ये हैं 71.50 अगर आपके मार्क्स हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपको अगर इंटरव्यू में आपके अराउंड ये मार्क्स हैं 87 से लेकर 90 मार्क्स तक आपके इंटरव्यू में हैं, देन मेरे दोस्त आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, परेशान होने की ज़रा ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो IBPS PO मेंस का जो स्कोर कार्ड आया है, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई थे उनका, तो उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इनमें इसमें कंफ्यूज थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो करके आप लोगों को समझा दिया जाए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ, लास्ट के जो ये 71.50 है, सॉरी ठीक है 71.50 है जनरल की कट ऑफ, 25 नहीं है, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी जनरल की, इसको मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लास्ट ईयर जो फाइनल कट ऑफ थी आपकी जनरल की ये थी 43.87 थी, और आपका जो कट ऑफ था लगभग यही था। इस साल आपका 71.50 है, और लास्ट ईयर क्या था, इसे 3 marks ज़्यादा था, तो कट ऑफ आपकी इतनी थी 43.87 थी। और आपको जो लास्ट कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने 74.50 स्कोर किया था, उसको इंटरव्यू में अप्रॉक्स 87 मार्क्स चाहिए था। अगर उसने इतना मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर किया था, देन वो फाइनली पीओ बन गया था। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ओबीसी एसटी कैटेगरी से, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मान लो आपके मार्क्स 74.50 हैं, अपॉन आपको टोटल मार्क्स का लेने कितने हैं 225, अब इनटू ये कितने परसेंटाइल होता है 80% होता है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर परसेंटाइल मिल जाएगा, समझ गए ना, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और जो इंटरव्यू होती है वो कितनी होती है 20% की होती है, मतलब इंटरव्यू मान लो आपके पास 80 मार्क्स है, तो उसको डायरेक्टली 20% मतलब क्या होता है 1/5 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट दैट, ओके। ये चीज़ है, समझ गए। आपके जो मतलब मिनिमम आपकी स्कोर थी वो कितने आपको लाने थे लास्ट ईयर में, 87 मार्क्स आपके इंटरव्यू में अगर रहते तो आप लोग यहाँ पर क्लियर कर जाते, ठीक है। अब मैं आपको पीछे थोड़ा सा कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो पहले इस साल की मैं कट ऑफ की थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ, डिस्कस आपका क्या है, कट ऑफ कितनी थी कितनी नहीं है। जनरल की कट ऑफ आपको मैंने बताया दिया 71.50 है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65.88 है, आपकी ओबीसी की 70 point something है, ये दिख रहा है आपको, एससी की है, एसटी की है, ये सारा दिया हुआ, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, एक सेक्शनल कट ऑफ आपकी है जो भी है। अब देखो मीन्स इसका इंपैक्ट क्या है, पहले मैं आपको वैकेंसी से कंपेयर करके बता रहा हूँ, जो जैसे बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन होगी कि वैकेंसीज क्या है। इस साल वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने के चांसेस हैं आपके पास, अभी भी टोटल वैकेंसी जो है पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल अभी वैकेंसी जो थी ये थी, और इस साल ये वैकेंसीज हैं। इस साल आपकी वैकेंसी जो हैं 4,336 अभी तक हैं, और ये NR मतलब नॉन रिपोर्टेड है, मतलब नॉट रिपोर्टेड, जितने लोगों ने नॉट रिपोर्टेड की लिखा हुआ है ये NR है, मतलब ये रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज को, अभी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तीन चार बैंक जॉब आपके हैं, आप ये वैकेंसीज अपनी दे सकते हैं। और लास्ट जो आपकी टोटल वैकेंसीज थी वो थी 4,252, अभी ये जो 4,336 है ना, इसमें आपके ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कि आपके इंक्रीज होगी वैकेंसीज, तो कि कट ऑफ जो है कि लगभग पिछले साल से थोड़ी सी कम होने वाली है। पिछले साल जो कट ऑफ थी आपकी 43.87% थी फाइनल, ये फाइनल कट ऑफ थी जो 1 अप्रैल को आई थी आपकी, जो 1 अप्रैल की आपको आई थी, ये वो कट ऑफ है, ठीक है। और इस बार जो चांसेस हैं आपके फाइनल कट ऑफ के, ये आपके हैं 42 से लेकर 43% तक हैं, मतलब चेंजेस नहीं होंगे भाई ना, क्योंकि कट ऑफ जो आपकी थी लास्ट ईयर थी 74.50 थी आउट ऑफ 225, इस बार जो आपकी कट ऑफ है 71.50 है आउट ऑफ 225, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 2-3 number का डिफरेंस है। तो यहाँ से आपको 1% मतलब ये मान के चलो कि 43% से आपकी जनरल की कट ऑफ शायद ही कम जाएगी, लगभग इतने होने वाली है कट ऑफ, ठीक है। ये आपके वैकेंसी से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि भैया ये वैकेंसी थी, और जनरल की वैकेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। 2099 वैकेंसी थी, इस बार 2031 है, मतलब
लगभग बराबर ही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला एक स्लाइड और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, जैसे कि ये आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी जो थी टोटल जो थी, मैंने अभी आपको बताया कि 74.50 थी जनरल की, ओबीसी एसटी की आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो आपकी यूआर की जो आपकी कट ऑफ थी वो थी फाइनल, जो ये फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है, याद रखना, जो फाइनल कट ऑफ थी कितनी थी, 43.83 थी, ओबीसी की ये 40 पॉइंट समथिंग थी, एससी की ये थी, एसटी की ये थी, और ईडब्ल्यूएस की आपकी यहाँ पर नहीं दी गई है, मीन्स ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर नहीं था लास्ट ईयर तक, ठीक है। तो ये समझ गए, ये कट ऑफ थी आपकी। अब उसके बाद से इस ईयर जो कट ऑफ होने वाली है उसको मैं आपको एक और स्लाइड से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, देखो ये जो कट ऑफ है ये 2000 आपकी 18 जो मतलब 2019 में थी फाइनल, 2018-19 की जो आपकी थी उसकी कट ऑफ है ये, ठीक है। अब इस बार जो कट ऑफ होने वाली है मैंने अभी आपको बता दिया 43 पॉइंट के आपके आने वाले हैं, 43 पॉइंट समथिंग या 43 अप्रॉक्स आपके कट ऑफ हो सकते हैं इस बार, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग कितने लोग सेफ हो, कितने स्कोर पे सेफ हो, ठीक है। एक मिनट, देखो मान लो आपके स्कोर आ रहे हैं 71.50, ठीक है। अभी मैंने बताया जो आपके जो आपके 2018-19 में आपके कट ऑफ थे 74.50 था, और उनको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने पे थे आपके 87 मार्क्स, अगर 87 मार्क्स थे तो वो फाइनली पीओ बन चुके थे जनरल कैंडिडेट के, ठीक है। इस बार आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना इंटू 80/225, आप सॉल्व कर लेना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, 5 वन जा हो गया, 5 फोर जा एंड 5 थ्री जा 0, 5 नाइन जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 थ्री जा 48, 16 से 4 जा 64 68, ठीक है, 16 22 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर लो, 9 टू जा 18, 4 48, 9 5 जा 45, 3.39 अप्रॉक्सिमेट इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कट ऑफ जो जाती है 43 पॉइंट समथिंग जाती है, 43.4 मान लो जाती है कट ऑफ, तो आप यहाँ से जब सब्सट्रैक करोगे व्हाट वी गेट 0, यहाँ पर क्या गया 8 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, तो 18 आ गया। अभी मैंने बताया 1/5 होता है 20% का, खाली कन्वर्ट होता है 20% मतलब क्या होता है 1/5, तो ये जो 5 मिला इसी को मल्टीप्लाई कर लो, आपको इंटरव्यू के मार्क्स मिल जाएंगे 18.5 अप्रॉक्सिमेट। अप्रॉक्सिमेट कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आपके कट ऑफ के जितने मार्क्स हैं, मतलब आपके मार्क्स खाली ये हैं 71.50 अगर आपके मार्क्स हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपको अगर इंटरव्यू में आपके अराउंड ये मार्क्स हैं 87 से लेकर 90 मार्क्स तक आपके इंटरव्यू में हैं, देन मेरे दोस्त आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, परेशान होने की ज़रा ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कई लोग बोल रहे थे कि नहीं इतने मार्क्स मेरे नहीं है, मेरे मार्क्स जो हैं 80 अराउंड हैं, तो इसको मैं क्लियर करके आपको पूरा समझा रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है, रुक जाओ। मान लो हम ले लेते हैं 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स का आप कन्वर्ट कर लेना ना यहाँ पर 18 into 80/225, 5 से कर लो 16 टाइम, 5 से कर लो 45, 9 टाइम्स हो गया 16 हो गया, 256/9 हो गया, 9 से कर लो 9 2 18, 776, 9 8 72, 440, 9 4 36, 9 4 36। अब मान लो अगेन कट ऑफ जो जा रही है 43.44 जा रही है, तो सब्सक्राइब करो यू विल गेट 0, यहाँ से क्या मिल गया आपको 15 मिल गया, 15 5 जा करोगे 75। अगर आपके 80 मार्क्स हैं, अगर आपके 80 मार्क्स हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं, 80 मार्क्स हैं और आप यूआर हैं, अगर इंटरव्यू में आपके 75-76 मार्क्स आ रहे हैं, देन मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो ना, तो मैं ये एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ मेरे दोस्त की, आप लोग ज़रा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा, जो फाइनल आपका अलॉटमेंट का है 1 अप्रैल को आ ही जाएगा, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, फालतू में एंग्जाइटी पल के रखे हुए आप लोग ना उसी वजह से। अब देखो मान लो आपके जो मार्क्स हैं, जो मार्क्स आपके हैं, मान लो आपके पास मार्क्स है 76 है, ले लेते हैं क्योंकि एक दोस्त है मेरा उसका 78 मार्क्स है, तो उससे थोड़ा सा कम लेके मैं बता रहा हूँ, 76 into 80 करोगे अपॉन 225, ये परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा 16 हो गया, दैट इज व्हाट 45, यहाँ से मान लो 75 लेते हैं, कैंसिल करने में आसानी रहेगी, 5 से हो जाएगा मान लो तुम्हारा 5 लाइन्स हो गया, ये 15 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई टू विल गिव व्हाट 160 एंड 80, 240 अपॉन 9, 9 टू जा 18, 6 60 9 6 जा 54, 96 जाए मतलब ये आता जाएगा, मान लो कट ऑफ अगेन जाती है 43.44 जाती है, तो यहाँ से डिवाइड कर लो 14 6 हो गया 8 हो गया, ये यहाँ पर 13 6 7 हो गया, यहाँ से 12 6 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो इतने हो गए इनटू 5 कर लो इसमें 16, देखो 5 से करोगे ये हो जाएगा मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 से 35 4 हो जाएगा, ठीक है, 84 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स 75 भी हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके इंटरव्यू में 84-85 मार्क्स आपके हैं, दिन मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि एक दोस्त और हैं मेरे, उन्होंने मैसेज किया हुआ था, तो उनके मार्क का मैं एग्जांपल देके बताता हूँ ना, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कैलकुलेट करके पूरा बता दे रहा हूँ सेफ स्कोर है क्या। लास्ट ईयर जो जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था ना, वो सिलेक्ट हुआ था आप 87 मार्क्स ला के, कट ऑफ जितना मार्क्स ला के 87 मार्क्स लाया था, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था फाइनल। दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने टेक्स्ट जोन स्मार्ट कीरा का
जो मॉक टेस्ट है उसका रिव्यू दिया हुआ है, तो रिव्यू आप लोगों को अगर समझ में आता हो और सीरों को सही लगती हो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अगेन दे दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं टेस्ट जो स्मार्ट कीरा के मॉक टेस्ट है उनसे जा सकते हैं, पहले रिव्यू देख लीजिए उसके बाद से आप उनके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जेन्युइन है, मैंने सारी जेन्युइन चीजें बताई हुई हैं, सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं, आप लोग उसको देख लीजिए, देखने के बाद से अगर आपको जेन्युइन लगता हो देन आप लोग मॉक को ले सकते हैं, और उसका मॉक को लेने का जो आपका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके मार्क्स जो आ रहे हैं 85 आ रहे हैं, तो 8 × 80 कर लो अपॉन 225, 16 हो गया, डेट इज व्हाट 45, 9 हो गया, डेट इज व्हाट 17 हो गया, 160 हो गया, 16 × 7 = 112, एड इट व्हाट वी गेट 7, 272 अपॉन 9, 9 × 3 हो गया 0, 9 × 20, 9 × 2 = 18, इतना आ गया, मान लो कट ऑफ जाती है 43.4 जाती है ना, लास्ट ईयर जो थी 43.87 थी, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मान लो इतनी जाती है साल, तो डिवाइड इट यू विल गेट व्हाट 30.5 कर लो, 5 × 10 = 30, 66 मार्क्स। अगर आपके 85 मार्क्स हैं और आपने 66 से लेके 70 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर कर दिया है देन मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन यू आर इन, ठीक है। आप देखो जो सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब जो लोग सेफ हैं, जो एकदम उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, जैसे कुछ लोगों के, और एग्जांपल मैं मार्क्स आपके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कुछ लोगों के 96, 98 हैं ऐसे करके हैं, या 100 हैं ना, 100 वाला ही मैं बता दे रहा हूँ, मान लो अप्रॉक्सिमेट आपके 100 हैं, या आपके अगर मार्क्स 90 प्लस हैं और आप जनरल एक्सपीरियंट हैं देन डोंट वरी, अगर आप इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिजास्टर करके नहीं आए हो, इंटरव्यू को मार वर के नहीं आए हो, या वहाँ पर बहुत बेकार में बिहेवियर नहीं है, देन आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ जो है, आपके मार्क्स जो है 83 से लेके 85 तक हैं और आपकी इंटरव्यू अच्छी गई है, अबव एवरेज गई है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 75 से लेके 80 तक हैं और आपकी इंटरव्यू थोड़ी सी एक्सलेंट टाइप की गई है, ठीक है, एक्सलेंट टाइप की गई है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब थोड़ा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 100 वाला, तो 100 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग, 80 कर लेंगे अपॉन 225 से कर लो 9 × 25 = 4 होता है, 4 × 8 = 32 हो गया, अपॉन 9 से कर लो, 9 × 3 = 27, 559 × 5 = 45, 559 × 5 = 95 आता जाएगा। अब मान लो 43.44 कट ऑफ बनती है, या 55 भी ले लेते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करो व्हाट वी गेट 00, ये यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 58 मिल जाएगा, 8 × 5 = कितना होता है 40 मार्क्स। अगर आपके 100 अराउंड मार्क्स हैं, तो अगर आपके 40-45 नंबर भी हैं, 40 से 45 नंबर या 50 नंबर भी आपके इंटरव्यू में हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई रोक नहीं सकता आपको, और जिनका 110 प्लस है उनको तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब आपके देखो एक मिला जुला के मैं ये बोलूँगा, अगर आपके मार्क्स 90 प्लस हैं और आपका इंटरव्यू जो है ठीक ठाक गया है, ठीक ठाक मतलब होता है, मतलब बिलो एवरेज एक तरह से बोल लो, ठीक है, बिलो एवरेज गया है, देन तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स जो है 83 से लेकर 85 तक हैं, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें चेंज करके दिखा रहा हूँ भाई ना, अगर आपके मार्क्स इतने हैं 83 से लेकर 85 तक और आपका इंटरव्यू जो है एबव एवरेज गया है और आपके मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू में अप्रॉक्सीमेट जो आपके मार्क्स है 75 to 80 मार्क्स, या मीन्स ये समझ सकते हो, मैंने पीछे जैसे बताया कि आपके अराउंड अगर 70 to 75 मार्क्स आपके इंटरव्यू में आ रहे हैं और आपके मार्क्स जो मेंस में इतने हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स 75 से लेकर, जैसे कट ऑफ 71.50 है, आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू जो है एक्सेलेंट टाइप का थोड़ा सा हुआ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अगर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके कट ऑफ के जितने मार्क्स हैं ना, बहुत सारे लोग जैसे इसको मैं पूरा इरेज़ कर देता हूँ, रुक जाओ बता दे रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं वीडियो को एंड अप कर रहा हूँ। मान लो आपकी जो मार्क्स है 71.50 ही हैं और अगर आपने इंटरव्यू बहुत ज़रा अच्छे से दिया हुआ है, एक्सेलेंट टाइप का दिया हुआ है, और आपके जो मार्क्स आने के चांसेस हैं ये 86 लेके 90 तक अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स आ जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू में मार्क्स आ जा रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप सेलेक्ट होने वाले हैं फाइनली। ये मैंने सारा डेटा जो भी बताया, ये यूआर कैंडिडेट के लिए बताया, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सारे जो अभी कैटेगरी के लोग हैं, ये सारे लोग इससे रिड्यूस करके देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया भी था, ये वाला दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, जो ओबीसी की कट ऑफ थी आपकी फाइनल, ये देखो, ये वाला, एक मिनट, ये देखो, ये जो आपकी जनरल की थी 43.87 थी, ओबीसी की कम थी उससे, एसटी की बहुत कम थी, फिर एससी की और कम थी, ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये रिड्यूस कर लेना, आप लोग अपना कम कर लेना, ये नहीं कि इतना ही आपको देखना है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि कट ऑफ आप लोगों की थोड़ी यहाँ कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा ऐसा टाइप का है ना, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फाइनल टेक मैं एक और आपको बोलूंगा कि अगर आपके 71 पॉइंट, मतलब ये कट ऑफ जितना ही है, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ भाई, कट ऑफ जो आपकी है ये, अगर आपने स्कोर जो है कट ऑफ के जितना इतना ही किया और आपके मार्क्स अगर इंटरव्यू में 86 लेके 90 तक आ रहे हैं इंटरव्यू में, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूआर कैंडिडेट के लिए मैं बताया, ओबीसी एसटी के लिए आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कि सारे डाउट जो भी थे लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर, ओके गाइस। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, सारे लोग पीओ बनो और सारे लोग अच्छे तरीके से
जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो सारे लोगों को जवाब दो एक तरह से ना, कि भाई जो लोग हंसते थे आपके ऊपर, कि आप, आपके सपनों के ऊपर हंसते थे कि नहीं हो पाएगा, उनको जवाब 1 अप्रैल को देने का मौका आ रहा है कि भाई हाँ हम ये हो गए, ये शोर मत जाएगा मेरे दोस्त ना, वो शोर मत जाएगा, परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।